सुभान तेरी कुदरत, और देखें आर सिंगार हो रहा है दुम्बों का। इन पे कितनी मेहनत की जाती है और किस कदर जनाब मेरी एहतियात से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्लाह के घर उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हुआ हूँ बारा को, और ये पीछे पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अपने व्लॉग का आगाज़ करूँगा। आज माशाल्लाह जुमे का दिन है और अल्लाह का खास करम हुआ, अल्लाह ताला ने नमाज़ की भी तौफीक दी, जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। आज हम आए हुए हैं अपने बड़े प्यारे भाई मोहब्बत करने वाले जनाब अब्बासी साहब के पास आए हुए हैं। माशाल्लाह उम्र की अदायगी करके आए हैं सब ज़्यादा करीब। बाबर फैज़ कादरी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब ठीक है? माशाल्लाह जी अब्बासी साहब क्या हाल है जनाब? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। दोन की सर कितने दिन माशाल्लाह मदीना पाक और मक्का पाक में रहे आप? 3 दिन रहे जी। कितने दिन? 1 महीना 3 दिन। 1 महीना 3 दिन माशाल्लाह। कब वापसी हुई? मेरी ईद के तीसरे दिन इंशाल्लाह। ईद के तीसरे दिन वापसी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के घर से। जो अब्बासी साहब आप इत्तकाफ कहाँ पे बैठे? जी मदीने में बैठा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मदीना पाक का तो एक नहीं मजा है। मदीना मदीना है जी बेशक। वो शायर कहता ना, हर सांस से आती है सदा हाय मदीना, मदीना 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 मदीना, हर सांस से आती है सदा आए मदीना। और माशाल्लाह मदीना पाक तो याद आता होगा। आने का तो जी नहीं करता बस, तो मदीने की बात माशाल्लाह। जब मैं आने लगा तो कि इंडिया का एक बंदा था, बड़ा मोहब्बत था, तो मेरे साथ इस तरह चुमट कर इतना रोया कि मुझे छोड़ा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा यार मैं मेरे साथ वाला बंदा गुम हो जाएगा, मैं उसको किधर ढूंढूंगा, मुझे छोड़ो। कहता है आपने इतने आंसू गिराए कि मुझे बस आप कुछ मुझे छोड़ता ही नहीं था। मतलब कि जो दिन वहां पर गुजरे हैं वो ही दिन थे। वो एक दिन क्या हुआ है, जूते पड़े थे, मैं उधर बैठा हुआ, अल्लाह बड़ा सुकून आ रहा था। तो मेरे जानने वाले 3 प्रॉपर्टी डीलर वो आए, वो कहते हैं भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जहाँ ये इस जगह पे जितना मजा है आप सोच नहीं, सुकून आ रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये अब्बासी साहब मदीना की बातें बता रहे हैं और क्या ही बात है मदीने की है जी। अल्लाह हम सबको ले जाए आप। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अब्बासी साहब के मेहमान है, बड़ी खातर तवाजा कर रहे हैं हमारी माशाल्लाह। एक अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अब्बासी साहब से उठे हैं और जा रहे हैं घर की जानेब। फैज़ाबाद में भी अभी इस रोड का काम हो रहा है, इस वजह से कभी ट्रैफिक इधर आ जाती है, कभी वहाँ से आने वाली ट्रैफिक है, सामने से यहाँ से जाने वाली ट्रैफिक। चलते हैं अब घर की जानेब। व्लॉग में आपको ये भी बताऊँगा कि अभी तो ईद को काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी बैल वगैरह तो इतने नहीं आए पर दुम्बा वगैरह काफ़ी आ गए हैं, कचले से चेक करते हैं चल के, क्योंकि मोहम्मद हसनैन साहब को काफ़ी शौक़ है दुम्बे और बकरों का। हम बहुत ज़्यादा जल्दी ले नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ रखने का बड़ा मसला होता है। खैर कोई चीज़ अगर पसंद ज़्यादा आ जाए तो फिर ख़रीद भी लेंगे इंशाल्लाह। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? कैसी सेहत है? आप लोग सारा साल ही इधर होते हैं या क्या? हम हैं जी सारा साल। ये क्या दोंदे बकरे हैं सारे? हाँ दोंदे बकरे माशाल्लाह। ये बोल ये जोड़ी है? ये जोड़ी है। जोड़ी खोल के दिखाएं से ज़रा, खोलेंगे जी। मोहम्मद हसनैन आप पकड़ के ना चेक करो ना, आगे चलाओ जरा इन्हें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना। चले जी देखना देखना, ओए अबे दुम्बे ओ बस 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 भाई इधर आ जा, चलो पकड़ के इधर ले ऐसे। चल 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 चल, हाँ इधर ही रुको इधर ही रुको, हाँ दूसरी खोलेंगे। ये भी ये और ये आपस में दोंदे हैं, और दोंदे भी हैं और जोड़ी भी है। ये क्या प्राइस क्या है इसकी? जोड़ी के 1,40,000 मांग रहे हैं। एक दस की फाइनल। मतलब ईद पे तो रेट ज़्यादा ही हो जाएगा तकरीबन। माशाल्लाह चला के चेक कराएं जरा इसे दम बकरे को, खूबसूरत चीज़ है जी। एक कौन सी नस्ल है ये? अमृतसरी नस्ल है।
बकरों के साथ साथ ये जो दुम्बे हैं, दुम्बे बिल्कुल जहरी बात है, अभी ये बिल्कुल गंदे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं जिस तरह माल। इसकी चाल कजले की क्या बात है इसकी। वैसे भी दुम्बा सबसे अजीम कुर्बानी जो है वो दुम्बे की है, और ये जब तैयार होगा तो फिर इसकी क्या बात है। इसको चलाएँ जी थोड़ा सा, वाह माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। अभी इसने कल तैयार होना है, कल तैयार करेंगे इसको, कल तैयार होगा इंशाल्लाह। हम आइंदा भी व्लॉग में आपको इनकी वीडियो दिखाएंगे। इसकी 1.5 लाख रुपए डिमांड है और कमी पेशी भी इंशाल्लाह इसकी कर दी जाएगी। चले अल्लाह ताला रोजी में बरकत अता फरमाए, आगे भी चलते हैं। सुभान तेरी कुदरत। और देखें आर सिंगार हो रहा है दुम्बों का, इन पर कितनी मेहनत की जाती है और किस कदर जनाब मेरी एहतियात से इनका हार सिंगार किया जाता है। माशाल्लाह ये चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह चीज़ है, क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक ये तैयार हो चुका है जी माशाल्लाह, इसको देखें जी। ये भाई आपने पहले भी हमारे व्लॉग में देखे होंगे, ये बड़ी जनाब मोहब्बत से बकरों को सजाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका कोई नाम भी रखा हुआ है जी कि कोई नहीं? नाम राजू का। राजू आप सही दिल से ना इन चीज मतलब ना इनकी देखभाल कर, वो निकल आया भाई। अच्छा उसका तो इसका नाम महाराजा, इसका दादा राजा, क्या बात है जी ज़बरदस्त यार। ये बहुत खूबसूरत चीज़ बन रही है ये ना, है ना, ये जो आप बना रहे हो दादा राजा, दादा राजा, क्या बात है जी। एक से एक आइटम है यहाँ पे। और ये कौन है? और ये बबर शेर, ये बबर शेर जी। इन्होंने नाम रखे हुए हैं जी, किसी का राजू, किसी का दादा राजा, किसी का दादा पोतरा राजा, और एक ये राजा, ये रूस के इधर चला गया था राजा ने जी। हैं ये महाराजा, अच्छा ये रूस से आ रहा है। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी बदमाश जनाब, ये माशाल्लाह देखो इन्होंने, ये जब भी आए यहाँ पर तो ये बड़ी खूबसूरत अपने जो जानवर है ना उनको बड़ी खूबसूरती के साथ संभालते हैं। ये इन्हीं का काम है संभालना, सरकार ने नौकर, क्या बात है जी ईद बहुत दूर है और आहिस्ता आहिस्ता माल आना शुरू हो गया है। आज के लिए इतना ही था, हमारे पेज को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर आप लोगों तक पहुँचाया जाए। आज के लिए खुदा हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।